brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, और कुछ जो मैनिफेस्टो में कुछ अलग बातें जो देखने को मिली उनमें से एक थी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए सिविल यूनियंस की बात जो है वो भी कही गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में इस देश की जो असलियत है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो होनी चाहिए। उसमें महिला न्याय की बात है, उसमें किसान न्याय की बात है, उसमें युवा न्याय की बात है, उसमें जो आपने इशू का उसकी बात है, उसमें श्रमिकों की बात है, उसमें हिस्सेदारी की बात है। मुझे लगता है 2024 का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो न्याय पत्र है, वो लोगों की आवाज़ पर, लोगों की अपेक्षाओं पर, लोगों की आशाओं और उम्मीदों के तौर पर बना है। जो बातें हमने कन्याकुमारी से कश्मीर चलते वक्त और मणिपुर से मुंबई जब इस देश की यात्रा करी तब पता चली। और 2019 के मैनिफेस्टो से कितना ये अलग रहने वाला है? मैंने आपसे कहा ये मैनिफेस्टो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद बना है, तो ये पूरी तरह से सर्टन है कि ये लोगों की आवाज़ है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है। हमारा जो मैनिफेस्टो साइट भी थी आवाज़ भारत की थी, तो पूरी तरह से प्रतिबिंब ये उसका है। मुझे लगता है हमने बहुत विशेषज्ञों से, जानकारों से बात तो ज़रूर करी है, लेकिन एक्चुअल ये रिप्रेजेंटेशन लोगों की आवाज़ का है।